अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में वो लड़की हवार्ड को गले लगा के बोलती है, अब तुम्हें ही मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर जॉन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। हवार्ड बोलता है, ये मेरी अंकल की बेटी है, इसका नाम किटी है और ये स्कूल में पढ़ती है। हवार्ड बोलता है, तुम अपने पापा से नफरत करती हो, इसलिए तुम घर से भाग के आई हो। केटी गुस्से से बोलती है, बेकार पापा, वो मेरे पीठ पीछे एक लड़की को ले आए। ये सुनकर हवार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और केटी को बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया ना, तो वो नॉर्मल सा बात है, वो डेट कर रहे हैं, तुम उससे इतना गुस्सा क्यों हो। केटी बोलती है, वो मेरी टीचर थी, मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि उन लोगों का पहले से रिलेशनशिप होगा, वो मेरे करीब आने के लिए ये सब कर रही होगी, वो मेरी स्ट्रीम मदर बनना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। पता नहीं वो लड़की मेरे पापा में क्या देखी होगी, वो शायद मेरे पापा के पैसे से प्यार करती है। मैं बिल्कुल घर नहीं जाने वाली हूँ, जब तक मेरा पापा उस लड़की से ब्रेकअप नहीं करेगा मैं नहीं जाने वाली हूँ। हॉट बोलता है, तुम घर नहीं जाओगी तो कहाँ रहने वाली हो। किटी बोलती है, तुम्हारे साथ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। हॉट बोलता है, किटी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। किटी शर्माते हुए बोलती है, हॉट नहीं प्लीज अभी अंदर बताओ। हॉट दरवाजा ठोकते हुए बोलता है, हे किटी तुम बाथरूम में पिछले 2 घंटे से क्या कर रही हो, जल्दी से निकलो, मुझे बहुत जोर से लगा हुआ है। किटी बोलती है, तुम्हें तो पता ही होगा ना लड़कियों को कपड़ा बदलने के लिए कितना समय लगता है। किटी पिछले 3 दिनों से हवार्ड के घर में रह रही है और हवार्ड का जिंदगी पूरा बेकार हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है हवार्ड बालकनी से सारा कपड़ा उतार रहा होता है, उसी दौरान किटी का कपड़ा उसके हाथ में आ जाता है। किटी उसके कपड़ा सीनते हुए बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़ी ठड़की हो। फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है, किटी आराम से मोबाइल चला के हंस रही होती है। हवार्ड उसके पास जाके बोलता है, हे क्या तुम स्कूल नहीं जाओगी क्या। किटी बोलती है, मैं बीमार हूँ। हवार्ड बोलता है, क्या हो गया तुम्हें। किटी बोलती है, मेरा सही में तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। फिर हवार्ड किटी के स्कूल में फोन करके बोलता है, किटी का तबीयत खराब हो गया इसलिए वो आ नहीं पाएगी। किटी यह सुनकर हंसने लगती है। हवार्ड गुस्से से अपने मन में बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे साथ नाटक कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। हवार्ड किटी को बोलता है, अब क्या हो गया तुम्हें, फिर से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया क्या। किटी बोलती है, मुझे मशरूम खाना अच्छा नहीं लगता है और न ही कोई और सब्जी। हवार्ड उसके नाटक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करके बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले आता है। किटी खाते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम बहुत ही अच्छे हो हवार्ड। फिर वो रात को सोते हुए बहुत जोर से खर्राटा मारती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, यह लड़की या सुअर समझ में नहीं आ रहा है, चलो ये अच्छा ही हुआ कि कल इसका पापा आएगा, अगर मैं इसके साथ एक और दिन रहता मैं सही में पागल हो जाता। फिर वो अगले दिन किटी के कमरे में जाके बोलता है, किटी उठ जाओ तुम्हारे पापा आने वाले हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर किटी नहीं होती है। वो उसे हर जगह कमरे में खोजता है, तभी उसमें एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है, मैं जा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरा पीछा करने का। जॉन बोलता है, वो कब गई, मुझे तो कोई आवाज नहीं आया। हवार्ड बोलता है, चलो बाहर जाके देखते हैं। जॉन बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। तभी हवार्ड एक बच्ची के हाथ में एक गुड़िया देखता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो किटी का बैग में लगा हुआ था ना। फिर वो बच्ची से पूछता है, हे बच्ची तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो बच्ची बोलती है, एक लड़की दी जिसका 2 पोनीटेल था, फिर वो लिफ्ट लेकर चली गई। जॉन घबराते हुए बोलता है, हम लोग मुसीबत में पड़ गए, वो यहाँ से भाग गई है। फिर हवार्ड वहाँ से स्कूल जाता है उसका, और जॉन सामने वाला गेम स्टोर में जाता है और उसे खोजते खोजते रात हो जाता है। हवार्ड बोलता है, चलो घर चलते हैं। जॉन अपने मन में बोलता है, अब इसे क्या हो गया, वो किटी को नहीं खोजने वाला है क्या। फिर वो दोनों घर जाके देखते हैं, किटी आराम से गेम खेल रही होती है। वो दोनों बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, तभी किटी पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला पड़ती है। जॉन बोलता है, तुम घर में हो, हमें लगा कि तुम भाग गई यहाँ से, हम दोनों तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं। किटी बोलती है, भाग गई मैं तो सिर्फ स्नैक खरीदने गई थी, मैं यहाँ से क्यों भागूंगी। हवार्ड बोलता है, तुमने ये पहले ही प्लान करके रखा है, पहले तुम नोट लेकर यहाँ से भाग गई, एक बच्ची का सहारा लेकर हमें उलझाया, फिर तुम उसके बाद सीढ़ी में जाके खड़ी हो गई, जैसे ही तुमने देखा कि हम लोग बाहर गए फिर से तुम अपार्टमेंट में आ गई। किटी बोलती है, तुम्हें कैसे पता चल गया। हवार्ड बोलता है, क्योंकि मेरा एक चाबी गायब था, अगर तुम्हें सही में जाना होता तो तुम मेरा चाबी लेकर क्यों जाती। किटी बोलती है, तुम बेवकूफ दिखते हो लेकिन सही में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। हवार्ड बोलता है, तुम ये सब करके ये देखना चाहती हो कि हम लोग तुम्हारा परवाह करते हैं कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ ना। किटी बोलती है, तुम मेरे से परेशान हो गए हो ना, इसलिए तुम मुझे घर भेजना चाहते हो। मैं सही में घर नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा पापा काम करके वो लड़की के घर चला जाता है, उन्हें थोड़ा सा भी परवाह नहीं है मेरा, वो पहले मेरे साथ थोड़ा समय तो बिताते थे लेकिन वो लड़की जब से आई है वो मेरे साथ एक भी समय नहीं बिताता है, मैं घर में बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई हूँ। हवार्ड अपने मन में बोलता है,
ओह, अब मैं समझा। वो घर से इसलिए भागी क्योंकि वो अपने पापा का अटेंशन पाना चाहती है। इसे लग रहा है कि इसका पापा का प्यार वो लड़की की वजह से कम हो गया है। हवर्ड उसका सर को सहलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे पापा के प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मुझे माफ करना ये सब कहने के लिए। जो भी हो, जब तुम उदास होगी तुम यहाँ पर आ सकती हो, मेरा घर तुम्हारा घर है। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से भागोगी नहीं। किटी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। यंग हवर्ड का नंबर लिया लेकिन वो कभी मैसेज नहीं करती है। सही में ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, उसका नेचर कब कैसा होता पता नहीं, और उसका नूडल्स का बिजनेस सही चल रहा होता है। हवर्ड जॉन को बोलता है, जॉन अभी बोबा चाय बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी में है, बहुत सारे फीमेल कस्टमर दूसरे दुकान से चाय खरीद के हमारे दुकान में आते हैं, कैसा रहेगा कि हम लोग नूडल्स के साथ उन्हें पीने के लिए कुछ दे। जॉन बोलता है, मैं बोबा चाय बनाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग एक बोर्ड लगाते हैं, उसमें लिखा रहता है, जितनी बार आप नूडल्स खरीदोगे उसके साथ एक फ्री मिलेगा पीने के लिए। हमारे पास 3 तरह का चीज़ें हैं पीने के लिए, पहला है ऑस्मेंटस बार्ले ब्लेंड, दूसरा है स्वीट पियर ड्रिंक, और तीसरा है पिंस कॉलन टी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आके रुक जाता है। सब कोई वो गाड़ी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, वो गाड़ी को देखो, वाओ ये सही में बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है। जॉन हवर्ड को बोलता है, हवर्ड वो गाड़ी यहाँ पर फिर से आया है, गाड़ी का ओनर 3 बार यहाँ पर आ चुका है खाने के लिए। हवर्ड बोलता है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है। हवर्ड गाड़ी में जाके नॉक करता है, फिर वो दरवाज़ा खोलता है, उसके अंदर एक लड़की होती है। हवर्ड बोलता है, हेलो आपका शुक्रिया हमारे स्टॉल से खाने के लिए, हमने ये ड्रिंक नया लॉन्च किया है, क्या आप ट्राई करके बता सकती हो ये ड्रिंक कैसा है। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना मैं मीटिंग में जा रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हवर्ड बोलता है, मुझे माफ़ करना मैं आपका समय ख़राब कर दिया। तभी कोई गाड़ी से बोलती है, चिंता मत करो मीटिंग से पहले मेरे पास थोड़ा समय है, मैं वो ड्रिंक पी सकती हूँ। तभी गाड़ी का शीशा नीचे होता है। हवर्ड उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ पर यंग ये यहाँ पर क्या कर रही है, और इसके पौधे में पेड़ पौधे का डिज़ाइन बना हुआ है। यंग बोलती है, अब दोगे कि नहीं। हवर्ड बोलता है, ओ हाँ मुझे माफ करिएगा, ये लीजिए आपका ड्रिंक। यंग आँख मारते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो एक ड्रिंक को पीने के बाद बोलती है, इसका टेस्ट सही में बहुत ही बढ़िया है, ये ऑस्मेंटस बार्ले ब्लेंड सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे इसमें ऑस्मेंटस का गंध आ रहा है, ये पियर ड्रिंक बहुत ही ज्यादा मीठा है, मुझे सही में ये नहीं पसंद है, ज्यादा चीनी से हेल्थ में खराबी होते है पता है ना तुम्हें। उसका सेक्रेटरी अपने मन में बोलती है, मिसेस यंग तो कभी भी स्ट्रीट में खाती नहीं थी, लेकिन ये यहाँ से 1 हफ्ते में 3 बार खा चुकी है, और ये अभी फ्री ड्रिंक पी रही है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ है क्या, इसका लाल गाल हो चुका है। फिर वो बोलती है, मिसेस यंग मीटिंग शुरू होने वाला है। हवर्ड बोलता है, शुक्रिया आपका मुझे एडवाइस देने के लिए। यंग बोलती है, कोई बात नहीं मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यंग गाड़ी में खिलखिला के हंस रही होती है, उसकी सेक्रेटरी ये सब देखकर रोने लगती है और अपने मन में बोलती है, मिसेस यंग हंसते हुए सही में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, अगर मैं लड़का होता ना मैं सही में इसे प्यार करने लगता। मिसेस यंग को ऐसा देखकर मुझे सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें रात का समय में दिखाया जाता है, यंग हवर्ड को मैसेज भेजती है, उसमें लिखा रहता है, मैं सबको ड्रिंक दे दी, उस सभी को बार्ले वाला ड्रिंक बहुत ही बढ़िया लगा, पीस वाला सही में बहुत ही ज्यादा मीठा है, तुम इसके लिए थोड़ा काम करो, तुम मुझे और भी थोड़ा सैंपल दे देना, मैं और लोगों को दे दूंगी। हवर्ड बोलता है, आपका शुक्रिया मैं अपना प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा। यंग बोलती है, हवर्ड मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो अगली बार मुझे तुम्हारी स्टॉल से डिस्काउंट मिलेगा ना। फिर वो स्माइली वाला इमोजी भेज देती है। हवर्ड अपने मन में बोलता है, ये पूरा बच्चा की तरह कर रही है, जिसे कैंडी चाहिए ना वो उसी तरह कर रही है, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर अगले दिन किटी उसका घर आ जाती है और बोलती है, हेलो मैं तुम्हारे साथ फिर से डिनर करने के लिए आ गई। हवर्ड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम फिर से अपने पापा के साथ झगड़ा करके यहाँ पर आ गई हो क्या। किटी बोलती है, नहीं मेरे पापा का ब्रेकअप हो चुका है उसके साथ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आई हूँ। हवर्ड अपने मन में बोलता है, ये सब चल क्या रहा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। केटी बोलती है, मैं चुपके से वो लड़की का वीडियो बनाई थी, वो मैंने पापा को दिखा दिया, फिर उसके बाद उन दोनों का वहीं पर ब्रेकअप हो गया, है ना मेरे पास दिमाग। हवर्ड अपने मन में बोलता है, वो औरत अंकल को धोखा दे दी, और उसके अलावा ये लड़की से मुझे बच के रहना चाहिए, वो मेरे पापा को डेट इसलिए की थी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, वो मेरे पापा से पैसे लेकर वो लवर को दे देती थी अपना। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे जैसे लड़के सुंदर लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। हवर्ड अपने मन में बोलता है, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। फिर वो अपना नूडल्स का काम खत्म कर देता है। हवर्ड बोलता है, जॉन काम खत्म हो गया है और जल्दी से दुकान बंद करो और चलो यहाँ से। जॉन बोलता है, ठीक है बॉस। तभी वहाँ पर स्पीड में आकर गाड़ी रुक जाता है। वो दोनों ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यंग गाड़ी से बाहर निकल के बोलती है, हवर्ड
हवर्ड शॉक्ड होकर बोलते हैं, मिसेस यंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यंग बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर हो, मैं बहुत ही ज़्यादा पी ली हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैं यहाँ पर किसी तरह आ गई हूँ, मेरे पास घर जाने का ताकत नहीं बचा है। हवर्ड को कीटी का बात याद आता है। कीटी बोलती है, जो लड़की बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन वो लड़की के सामने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाती है। लड़के उन्हें देखकर उनकी मदद करना चाहते हैं। ब्रो, ये सही में बहुत ही बड़ा जाल है। जो लड़की तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती होगी, लेकिन ये सब लड़कियाँ बहुत ही अलग होती है। कभी ये लोग इतने दूर चली जाएगी और कभी बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएगी। ये सब करके लड़कों का दिमाग ख़राब कर देती वो लोग, और उसके बाद लड़के उनकी हर बात मानते हैं। हवर्ड यंग को बोलता है, मैं आपके लिए एक गाड़ी मंगवा देता हूँ। यंग बोलती है, अगर वो ठरकी हुआ तो? हवर्ड बोलते हैं, तो आप अपने दोस्त को बुला लीजिए, वो आपको घर ले जाएंगे। यंग बोलती है, मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। हवर्ड बोलते हैं, आपको क्या डर नहीं लग रहा है अगर मैं कुछ कर लिया तो? यंग बोलती है, अगर तुम्हें कुछ करना ही होता, तुम पहले ही हाँ बोल देते मेरे साथ जाने के लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब पहली बार देखी तुम्हें, मुझे तुम जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। हवर्ड अपने मन में बोलते हैं, जो कैरेक्टर गेम में बनाया जाता है, वो NPC नहीं होता है क्या? क्या मेरी तरह इन्हें भी गेम में डाल देते हैं? तभी यंग हवर्ड का नाम लेते हुए गिरने लगती है। हवर्ड जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और अपने मन में बोलता है, मेरे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फीलिंग है। ये हमेशा मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, और इसी के चक्कर में भूल जाता हूँ कि ये सही में बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तभी कीर्ति चिल्लाते हुए बोलती है, हे हवर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? इस लड़की के जाल में मत फंसो। हवर्ड उसे मारते हुए बोलता है, भाग जाओ यहाँ से। फिर वो यंग को गाड़ी के पीछे सुला देता है, और वो सोते हुए सही में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। फिर वो गाड़ी में जाके लोकेशन चेक करता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब मुझे इसका घर का पता चल गया, अब मैं जल्दी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है यंग, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर वो लोकेशन में पहुँच जाता है। वो बाहर देखते हुए बोलता है, वाओ, ये जगह में घर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। फिर वो यंग को कंधे में उठाकर रूम में पहुंच जाता है और उसे सोफा में सुला देता है। तभी कुछ देर के बाद यंग बोलती है, मुझे बहुत ही प्यास लगा है। हवर्ड बोलते हैं, हाँ मैं ला रहा हूँ पानी। फिर वो पानी ला के बोलते हैं, ये लो, ये पी लो। जैसे वो पानी पीती है, वो खांसने लग जाती है और वो सारा पानी उसके कपड़े में जाके गिर जाता है। हवर्ड वो नज़ारा देखकर वहीं रुक जाता है। फिर वो बोलता है, वहाँ मुझे ब्लैंकेट चाहिए। फिर वो जल्दी से एक ब्लैंकेट लेकर आने लगता है। वो आकर देखते तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। यंग कपड़ा उतारते हुए बोलती है, मुझे नहाने जाना है, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो गया है। हवर्ड किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है और ब्लैंकेट उसे उड़ा देता है। फिर हवर्ड यंग को बोलता है, तुम इतना पी क्यों हो? यंग बोलती है, मैं काम के बाद उनके साथ डिनर की थी, क्लाइंट मुझे मजबूर कर दिए थे, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। हवर्ड बोलते हैं, मुझे लगा कि तुम बॉस हो। यंग बोलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, वो अपने साथ मुझे पीने को बोले, मैं मना नहीं कर पाई उन्हें। हवर्ड बोलता है, क्या कंपनी को चलाना इतना मुश्किल है? मैं जवान हूँ और मैं ये कंपनी की बॉस हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं पा सकती हूँ। जब मेरा कंपनी क्राइसिस में होता है, मैं शांत रहती हूँ, और मेरा कंपनी जब सही से चलता है तब भी मैं शांत ही रहती हूँ। वहाँ पर कोई नहीं है जिसमें मैं भरोसा कर पाऊँ। मेरे एम्प्लॉय और क्लाइंट कभी भी धोखा दे सकते हैं मुझे। अगर मेरा कॉम्पिटिटर ज़्यादा पैसा देगा तो मेरी ज़िंदगी जैसे पतले से वायर में चलने जैसा है। अगर मैं सख्त नहीं होंगी तो मैं गिर जाऊँगी, जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं होंगी। यहाँ पर लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता है, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अगर मैं सख्त नहीं होंगी तो मैं मारी जाऊंगी। हवर्ड अपने मन में बोलता है, सपने में यंग मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करती थी, वो बिना पूछे मेरे से सारा काम कर लेती थी। अब मुझे पता चला, उसे डर था कि मैं भी उसे धोखा दे दूंगा, इसलिए वो हमेशा अकेले काम करती थी। यंग बोलती है, हवर्ड मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खराब से बात करती थी। हवर्ड बोलता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या इसे पता है क्या सपने में क्या हुआ था? यंग हवर्ड की ओर इशारा देते हुए बड़ी प्यार से बोलती है, हवर्ड। यह सुनकर हवर्ड का दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाता है। यंग हवर्ड का कंधा पकड़ के बोलती है, हवर्ड मुझे उल्टी आ रहा है। फिर वो वहाँ पर उल्टी कर देती है।